सब्सक्राइब कीजिए बिंग फिजिक्स चैनल को और बेल आइकन दबाइए फिजिक्स को आसान तरीके से सीखने के लिए। यदि आप थंबनेल देख के चैनल पे आए हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग फिजिक्स पर प्रकाश मिश्रा आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। देखो एग्जाम जैसे जैसे ना एक एक दिन बीतते जा रहे हैं, हर्ट बीट स्टूडेंट्स की बढ़ती जा रही है। कितना भी प्रिपरेशन जिस स्टूडेंट का होता है फिर भी वो एग्जामिनेशन टाइम में थोड़ा बहुत घबरा जाता है। ये होता है क्योंकि वो पहली बार एग्जाम दे रहा होता है। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका किसी कारण से प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाया है, खासकर मैं बात करूंगा मैथ सब्जेक्ट के अंदर। और अगर वो चाहते हैं कि इतने कम टाइम में, बचे हुए 20-25 दिन में मैथ्स में क्या वो पास हो सकते हैं, और पास अगर वो होना चाहते हैं तो कौन कौन सी चैप्टर्स कवर करनी चाहिए, या इतने टाइम में तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है मैथ्स का, जो दो आपकी मैथ्स की 12th क्लास की बुक है या 13 चैप्टर है, वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर पाना तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या करें कि हम मैथ्स के अंदर पास हो जाए कम से कम। अगर आप मैथ्स के अंदर पास होना चाहते हैं कम टाइम में तो वीडियो तक को अंत तक देखिए, क्योंकि इनमें मैं आपको वो सारे चैप्टर्स बता दूंगा मार्क्स के साथ जिसको करके आप पास मैथ्स के अंदर जरूर हो सकते हो। और एक और मैं बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप ये कभी मत सोचना कि मैं पास नहीं होने जा रहा हूं। इंसान को ना पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने सक्सेस के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप सुबह से उठ करके यही सोचते हो कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मेरा मैथ्स का पेपर बहुत टफ है, मैंने सिलेबस कवर नहीं किया है, तो फिर वो सारे चैप्टर्स आपको और भी डरावने लगने वाले हैं, और भी हार्ड लगने वाले हैं, और आप कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हो कि नहीं, अभी लास्ट के बचे हुए दिन में मैं अपने आप को पूरी तरह से झोंक दूंगा, 12-13 घंटे की पढ़ाई करूंगा, और जितने भी मेरे से हो पाएंगे मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम के अंदर मैं अच्छा कर पाऊं या अच्छे से पास हो पाऊं, आई कैन, आई विल, मैं जरूर पास होऊंगा, ऐसी पॉजिटिव एफर्मेशंस ना आपको कॉन्फिडेंस देंगी अच्छा मेहनत करने के लिए, और आप अच्छा मार्क्स से पास भी हो जाओगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव थॉट्स और रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मैथ्स के उन चैप्टर्स को कवर करना है, किन चैप्टर्स को कवर करना है जिनसे कम से कम पास होने लायक का, यानी 40-45 मार्क्स का काम बन जाए। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कैलकुलस की। कैलकुलस देखो ओवरऑल 44 मार्क्स का है, कैलकुलस ओवरऑल 44 मार्क्स का है। इसके अंदर अगर डिफरेंशिएशन की बात की जाए तो इससे 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस कई बार आते हैं। तो ये आप अगर डिफरेंशिएशन का बेसिक नॉलेज रखते हो और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो यहां से अगर आपने 4 मार्क्स वाले 2-3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो कम से कम 7 नंबर, 6 नंबर या 8 नंबर तक आपको मिलने का पॉसिबल चांस रहेगा। तो एक तो आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले वगैरह लर्न कर लेने चाहिए, दूसरा एक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर्स आपको देखना है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर एक क्वेश्चन आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और एक क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा। ये मैक्सिमा मिनिमा का तो फिक्स रहता है 6 मार्क्स का, मैक्सिमा मिनिमा का आपका फिक्स है, एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, और एक 4 मार्क्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या टेंजेंट नॉर्मल से, तो ये 10 मार्क्स का है। तो अगर आपने 10 यहां से स्कोर कर लिया, 6-7 यहां से डिफरेंशिएशन के अंदर स्कोर कर लिया तो आप 16-17 नंबर गेन कर पाते हो। इसके बाद आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन के अगर आपने फॉर्मूले वगैरह लर्न कर लिए तो इससे कम से कम आपको 5-6 नंबर मिल जाएगा इनके क्वेश्चन से। अगर आपने प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन भी लर्न कर लिया तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन से 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक जरूर आता है।
इसके अलावा आप एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेशन, एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व्स का 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसे जरूर कर सकते हो। तो यहां तक आपने देखा कि अभी तक आपको 20 मार्क्स का आइडिया मिल गया। अगर आप बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंट्रीगेशन और दोनों का एप्लीकेशन कर लेते हो तो 20-22 नंबर आपको यहां से मिल जा सकते हैं। दूसरी बात, अब मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, सीधा आऊंगा लास्ट के चैप्टर्स पे। LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये 6 मार्क्स का है, ये आप अगर कर लेते हो तो 6 नंबर आपके पक्के हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, खासकर इसमें मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड या फिर डाइट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं 6 मार्क्स में LPP से, तो आप इसे जरूर कर ले ताकि आपको 6 मार्क्स का ये हेल्प हो पाए LPP के अंदर से। उसी तरह प्रोबेबिलिटी के अंदर एक टॉपिक है बेस थ्योरम, तो ये बेस थ्योरम अगर आप कर लेते हो तो यहां से आपको मिल जाएंगे 6 मार्क्स। तो अब जरा आप सोचो, यहां आपको मिले 12 मार्क्स और इधर 20 मार्क्स, तो आप कितने पे हो गए, 32-35 मार्क्स के आसपास हो गए। क्लियर है? और अगर आपने शुरू का एक इजी चैप्टर रिलेशन और इनवर्स ट्रिगो कर लिया जो कि फॉर्मूला बेस्ड है, तो ये 10 नंबर, तो ओवरऑल आपके 44-45 मार्क्स के मैथ्स के अंदर काम बन सकते हैं। ये उतना भी हार्ड सिलेबस नहीं है, जो मैंने अभी बोर्ड पे लिख रखा है वो इतना भी सिलेबस नहीं है कि आप 20 दिन के अंदर इसको नहीं कर सकते हो। अगर आप कंसिस्टेंटली 20-30 डेज का टारगेट लेके चलते हो तो आप डेफिनेटली इन सिलेबस को कवर करके 44-45 मार्क्स तक का स्कोर कर पाओगे, कम से कम पास होने लायक मैथ्स में काम कर पाओगे, अगर आपने पूरे साल किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं की है। वैसे उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने पूरे साल एफर्ट किया है, अगर वो भी इन टॉपिक्स को रिकवर करते हैं तो उनके मार्क्स के बहुत अच्छे आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और जिन्होंने किसी कारण से नहीं किया हो वो इन टॉपिक्स को जरूर कवर कर ले, क्योंकि ऐसा करने से कम वो मैथ्स के अंदर पास जरूर हो पाएंगे। पूरे टीम की, बीइंग फिजिक्स के पूरे टीम की गुड विशेस आपके साथ है, और हेल्प करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स को पढ़ते समय किसी भी टॉपिक में या क्वेश्चन में डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस पे आपको वीडियो देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का एकमात्र लक्ष्य है हमारे बच्चे एग्जाम के अंदर अच्छा करें और एक बेहतरीन रिजल्ट लेके आए। तो थैंक्स अगेन फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग बीइंग फिजिक्स।